फांसीवादी दौर में इस फांसीवादी ताकतों के खिलाफ 90 वर्ष के दादियों से लेकर 100 वर्ष के दादियों से लेकर बुजुर्गों से लेकर 4 महीने का बच्चा शाहीन बाग में शहीद हो जाता है कि जब जब ये चीजें लागू करने की कोशिश की जा रही है तब तब इस भारत माता का खून किया जा रहा है। आप इस तरह से देख लीजिए, हिंदुस्तान के आवाम का खून किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह सबको एक साथ खड़े होकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ विगुल फूकनी पड़ेगी और एक इनकी जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, करारा जवाब देंगे। तो अब पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, अब ये कहिए कि हम आधी रोटी खाएंगे, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, आपको ये कहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप तमाम लोगों को मैं इंकलाब और जय भीम पेश करना चाहता हूँ। आप जान रहे हैं कि जब ये जो दौर है, ये फांसीवादी दौर है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जामिया के लड़कियों ने, लड़कों ने, शाहीन बाग की दादियों ने, नानियों ने, पूरे मुल्क में जो एक जज्बात पैदा किया है, मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। और वही काम आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मेरा सलाम है। आप ये जान जाइए कि जिस दिन से ये काला कानून बनकर तैयार हुआ है और ये काला कानून पूरे मुल्क में लागू करने की जब जब विचार किया जा रहा है, विमर्श किया जा रहा है, तो आप समझिए और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब जब ये चीज़ें लागू करने की कोशिश की जा रही है तब तब इस भारत माता का खून किया जा रहा है। आप इस तरह से देख लीजिए, हिंदुस्तान के आवाम का खून किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, जब जब ये काला कानून जो है लागू करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। आप समझिए कि इस फांसीवादी दौर में इस फांसीवादी ताकतों के खिलाफ 90 वर्ष के दादियों से लेकर 100 वर्ष के दादियों से लेकर बुजुर्गों से लेकर 4 महीने का बच्चा शाहीन बाग में शहीद हो जाता है। क्या ये कुर्बानी नहीं है? क्या ये बहुत बड़ी कुर्बानी है? और इस कुर्बानी ने हमें बता दिया है कि हम 2.5 लोगों से डरने वाले नहीं हैं। आप जितना जुल्म कर लीजिए, लेकिन हम आप 2.5 लोगों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। जब जब आप ये काला कानून या जब जब ऐसी चीजें जो भारत के नागरिक के लिए विरोध का काम करती है, बायकॉट करने का काम करती है, तब तब इस देश की जो आवाम है, इस देश का जो जनता है, वो आपके विरोध में खड़ा होकर ईंट से ईंट बजा देगा। और वही काम इंशाल्लाह हुआ है। और आने वाले वक्त में, आने वाला जो मौजूदा वक्त है, आप यकीन कीजिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि चाहे जितनी भी हुकूमत, चाहे जिस तरह से हम पर जुल्म जाती कर ले, सब ध्यान रखेंगे। और सब कुछ, जिस तरह से मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, किस तरह से जो है रागिनी तिवारी, आपने नाम सुना होगा सोशल मीडिया पर, किस तरह से बेबयान तरीके से वो राइट्स भड़काने का काम कर रही थी, दंगा भड़काने का काम कर रही थी। मैंने उसका इंटरव्यू करा था और मुझे इस बात का बहुत यकीन है, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया, आप देख सकते हैं, और बहुत शानदार तरीके से किया। मैं 20-25 लड़के के साथ गया था उसका इंटरव्यू लेने, तो बहुत इंशाल्लाह बहुत तरीके से काम किया। तो जब जब ये हुकूमत, जब जब ये हुक्मरान हमारे और आपके खिलाफ कोई साजिश करेगा, तो हम इसका करारा जवाब देंगे और भविष्य में सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। आज हम हैं, कल आप तो हम परसों, तो इसी तरह जो है जवाब देंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस तरीके से, आज 52-53 दिन हो चुका है, आपने जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था को, सरकार के हुक्मरानों के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, आपने जोर जाति के खिलाफ आवाज़ उठाई, मैं बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूँ। मुझे आज ही लोग बता रहे थे कि शाहीन बाग
बाग में हर दिन जो है लगभग 50 से 60 लाख का नुकसान होता है, इससे भी ज़्यादा। वहाँ की दुकान, वहाँ पर मॉल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं सड़कों पर हैं। आप समझिए, जिनके घरों में डेली काम होता था, आज वो सड़कों पर है, एक रुपये का इनकम नहीं है। लेकिन ये सरकार कह रही है कि आप बिरयानी की राजनीति करते हैं, विदेशों से फंडिंग करवाते हैं, अरबों रुपये का, खरबों रुपये का विदेश से फंडिंग आता है शाहीन बाग जैसे इलाकों के लिए, जामिया के लिए। क्या ये सही है? क्या अपने दिल से पूछना चाहिए कि नहीं? मतलब जो इस हिंदुस्तान में, जो इस भारत में जो मुसलमान है, वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? जो ये कहता है मुल्लों को काटो, मुल्लों को भेजो काटो, वही इस देश के नागरिक है क्या? हमारे वोट से आप राजनीति करते हैं, हमारे वोट से आप पीएम बनते हैं, हमारे वोट से हर काम आप करते हैं, और हम इस देश के नागरिक नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा, ये एक बड़ी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट भी सदमे में है, सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल जो है चुप है, मौन है। अगर कोई बोलता है कपिल मिश्रा साहब के बारे में, आप जानते ही होंगे हर लोग किस तरह से उन्होंने दंगा भड़काया है, जो बोलते हैं उनको वाइपलस सिक्योरिटी दी जाती है। कपिल मिश्रा जिसे इंसान के खिलाफ अगर कोई चाहता है कि उस पर मुकदमा हो, तो रातों रात उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। बताइए किस कैसा ये दौर है, किस दौर में हम जिंदगी जी रहे हैं? हमें कभी कभी लगता है कि ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है, हमारा ये भारत नहीं है। हम आज अपने गांव में फ़ोन हमने किया, हमने अपने दादाओं से पूछा कि जब आप छोटे थे, क्या वो जब अंग्रेज शासन करते होंगे तो आपको कैसा लगता था? उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जिस तरह तुम्हें फील होता है, जिस तरह तुम अभी जिस हालात से गुजर रहे हो, वही फील हमें उस समय होता था। मतलब वो अंग्रेज थे, उससे भी बड़ा ये अंग्रेज है जो हम पर शासन करना चाह रहा है। हमारे ही जिस्म आबरू को काट काट कर ये सियासी कर रहे हैं। बताइए कैसे दौर में हम जिंदगी जी रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा, और इंशाल्लाह सबको एक साथ खड़े होकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ विगुल फूकनी पड़ेगी, और एक इनकी जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, करारा जवाब देंगे। इसी शब्दों के साथ जो है हम बहन आयमन रिजवी जी का और तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ की कमेटी का जो है तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, और आप जैसे जो लोग हैं यहाँ पर आकर हमें और तमाम लोगों को आप आराम से सुनते हैं। एक चीज है आपको मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग जो है अपना इरादा जो है थोड़ा मजबूत कर लीजिए। आप ये मान के चलिए, हम कहावत सुनते थे ना, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसी कुछ सुनते थे ना, तो अब पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, अब ये कहिए कि हम आधी रोटी खाएंगे, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। आपको ये कहना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको ये कहना पड़ेगा, और ये कहिए और लड़िए। अगर आज आप जो हैं नहीं लड़ेंगे, अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, नस्ल होगी ना, वो तबाह कर दिया जाएगा, और यकीन मानिए उसको सच में देश से निकाल दिया जाएगा। ये सीधी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए आज से ये प्रण कीजिए, आज से ये कसम खाइए कि हमें आधी रोटी खाना, हमें पानी पीकर रहना है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, इस सरकार के खिलाफ लड़ना है। इंशाल्लाह लड़ेंगे, जीतेंगे।